हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हमें इतना ज़्यादा कष्ट क्यों दिया जाता है। आध्यात्मिक जीवन, देखिए, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी या अवेकनिंग, जागृति या लगा लीजिए आत्म जागृति, सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो आत्माएं बहुत पवित्र होती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है। उन्हीं आत्माओं की जो है ईश्वर अवेकनिंग कराते हैं। होता क्या है, ये जो मैच्योर आत्माएं होती हैं, यानी कि हम सब जो भी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल रहे हैं, ये जो आत्माएं होती है, ये कई जन्मों का जो दुख होता है ना, उसका लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब हम इस जन्म में ही करने का, हम ईश्वर को, ये कह लीजिए, हम अपना एक डॉक्यूमेंट साइन करके आए हुए हैं कि हम सभी दुख इसी जन्म में भोग लेंगे। और आपको, आप फील भी करते होंगे, जीवन में एक से बढ़ के एक लोग आते हैं दुख देने के लिए, है ना। हंसी भी आ रही है मुझे तो। एक से बढ़ के एक लोग आते हैं, सोचते हैं ये हमारा सब चिंतक होगा, पता चला थोड़े दिन बाद वो भी हमारी पीठ में छुरा घोंपता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से ईश्वर हमें मिलाते हैं। ये हमें इस समय बुरा भी लगता है कई बार, बट ये हम भगवान के जब दर पे थे, जब हम अपनी माँ की गोद में भी नहीं आए थे, उस समय हम जो है ईश्वर को अपने डॉक्यूमेंट साइन करके देके आए हुए हैं कि भगवान, हमने इसी जन्म में सारे दुखों को भोगना है। तो जितने भी लोग, 2, 4, 5, 6, 7 जितने भी लोग जीवन में आपको इंटेंशली परेशान कर रहे हैं, वही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं। तो इसीलिए हमें इस जर्नी में बहुत ज़्यादा दुख दिए जाते हैं, क्योंकि हम खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आए हुए होते हैं कि हमने अब दोबारा जन्म नहीं लेना। इस जन्म के बाद हमने ईश्वर में समा जाना है। अब आप देखते भी होंगे, हमको भगवान के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। और लोगों के, देखिए, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, कोई पैसे के, कोई मोह माया के, कोई लालच के, है ना। और हमारा मकसद क्या है, सिर्फ कि ईश्वर ठीक है, हमने अपना गोल तो जीवन में सेट कर लिया, लेकिन सिर्फ एक ही परमात्मा से सिर्फ एक ही मांग रहती है कि भगवान तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा। इस तरीके से माइंड सेट हो गई है। तो बस जब हम ये कहते हैं भगवान तू ही है हमारा और कोई है ही नहीं, तो उस समय हम एक बहुत डिवाइन सोल हैं, और हम मोक्ष की प्राप्ति हमें ज़रूर होगी जब हम इस शरीर को त्यागेंगे, छोड़ेंगे। और हम सभी स्पिरिचुअल मार्ग पर जो भी चल रहे हैं, मरते समय हमारे मुँह पर ईश्वर का नाम ज़रूर होगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि हम सभी सोल्स जो हैं यूनिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हैं। तो इसीलिए जीवन में एक से बढ़ के एक लोग आते हैं आपको तकलीफ़ देने के लिए, दुख देने के लिए, ताकि जो आपका कर्मा है वो इसी जन्म में रिलीज हो सके। तो कैसी लगती हैं आपको मेरे वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय बाय।